नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फिटअप न्यूज चैनल पर। आज आपके सामने एक नई खबर के साथ आई। जी हां, आपको बता दी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमेरिका ने पाकिस्तान के इस बैंक पर लगाया $55 मिलियन का जुर्माना। जी हां, आपको बता दी, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल अथॉरिटी ने पाकिस्तान नेशनल बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। $55 मिलियन यानी करीब 414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जी हां, आपको बता दी, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल अथॉरिटी ने पाकिस्तान नेशनल बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में $55 मिलियन यानी करीबन 414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह पाकिस्तान के किसी बैंक पर अब तक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी हां, आपको बता देगी, फेडरल रिजर्व बोर्ड यानी FRB ने गुरुवार को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी उल्लंघनों के लिए 20.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जुर्माने की घोषणा करी। FRB के अधिकारियों ने कहा कि इस बैंक की अमेरिकन यूनिट ने एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम या धन शोधन विरोधी कानूनों का पालन करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण नहीं बनाए रखा, इसलिए यह कार्रवाई की गई। FRB ने कहा कि यह कार्रवाई न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा की गई कार्रवाई के संयोजन में है। आपको बता दें कि $35 मिलियन जुर्माना देने पर सहमति बनी है। जी हां, आपको बता दें कि वित्त सेवाओं के अधीक्षक एड्रियन ए हैरिस ने घोषणा करते हुए कहा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की न्यूयॉर्क शाखा ने न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी NYDFS के साथ किए गए एक सहमति आदेश के अनुसार $35 मिलियन का जुर्माना देने पर सहमति जताई गई है। आपको बता दें कि अधीक्षक हैरिस ने कहा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बार बार नियामक चेतावनी देने के बाद भी अपनी न्यूयॉर्क शाखा में गंभीर अनुपालन कमियों को वर्षों तक बने रहने दिया। उन्होंने आगे कहा, विदेशी बैंक जिनके पास न्यूयॉर्क में संचालन के विशेष अधिकार है, उनके पास प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने का भी दायित्व है। विभाग वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने आगे भी जारी रखेगा और वैश्विक वित्तीय की रक्षा के लिए तब तक कारोबार करता रहेगा जब तक उन दायित्वों को पूरा नहीं किया जा सकेगा। जी हां, आपको यह भी बता दें कि इस वक्त इमरान खान रशिया में व्लादिमीर पुतिन से मिलने भी गए हैं। जी हां, इसी के चलते अमेरिका ने हो सकता है उन पर यह पेनाल्टी